देखिए, चालाकी दिखाकर बेवकूफ बनाना कोई चाइनीज से सीखे। 1980s में यूक्रेन एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था व्हेन सोवियत यूनियन वाज ब्रेकिंग डाउन। इनको लगा सोवियत का एक पुराना कुजनेट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास पड़ा है, कबाड़ हो चुका है, इसको बेच देते हैं। चाइनीज को लगा इस कबाड़ को रिफर्बिश करके हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना देंगे। लेकिन चाइनीज को पता था अगर ये डायरेक्टली यूक्रेन से मांगेंगे तो ये महंगे में बिकेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडमिरल गॉक्शॉफ इंडिया को बहुत महंगे में बिका, राइट? और फिर इंडिया को आगे और कॉस्ट लग गई। तो इन्होंने एक चाइनीज बिजनेसमैन को आगे किया, उसको समझाया यूक्रेन को बोलना कि ये कबाड़ हमें फ्लोटिंग कैसीनो बनाने के लिए चाहिए। और उस चक्कर में यूक्रेन ने अपना कबाड़ बहुत सस्ते में बेच दिया और चाइना ने इसको खरीद के अपना पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया, द लियोनिंग क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। नाउ दैट इज फाइन, लेकिन इसके बाद चाइना आज इसी का एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज करके जापान के कंटिगुअस जोन में घुसा है। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम कि चाइना जापान के कंटिगुअस जोन में डायरेक्टली यहां पर एंटर किया है। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर इट? द टाइमिंग, लुक, क्वाड समिट इज गोइंग ऑन और यहाँ यूएसए ने चाइनीज के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं क्वाड में, सो डेफिनेटली चाइनीज वर फीलिंग प्रोवोकेटेड। अब जब भी चाइना के बारे में ऐसे इंटरनेशनल एरियाज में बात होती है वर्ल्ड लेवल पर, तो चाइना सोचता है वी आर प्रोवोकेटेड। अब हमारी पॉपुलेशन को दिखाने के लिए दैट वी आर स्ट्रांग, वी हैव टू डू सम एक्शन। अभी इंडिया की बॉर्डर पर ज्यादा एक्शन कर नहीं सकते क्योंकि इंडिया बहुत अलर्ट है, अभी बहुत एक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है अरुणाचल लद्दाख सब तरफ, और हम यूक्रेन गए, रशिया गए, फिर चाइनीज ने हमसे डिसंगेज किया और अभी इनके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। तो अब इसका जो ब्लेम है वो किसकी तरफ शिफ्ट करें? अब थोड़ा वीकर पावर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, ताइवान और जापान की तरफ, क्योंकि यूएस का अब इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है। ताइवान को जो मिलिट्री सप्लाईज है यूएस कम कर चुका है। क्यों? क्योंकि अब यूएस के डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को नया वॉर मिल गया, यूक्रेन का वॉर मिल गया और इसराइल हमास का इशू एक हेडेक बना ही हुआ है। तो चाइना क्या कर रहा है, जो भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है, यहां पर डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जापान के हिसाब से इसका नाम है सिनकाकू, चाइना के हिसाब से दियाओ एंड ताइवान के हिसाब से तियोयुथू। तो ये आइलैंड डिस्प्यूटेड है जिस पर ये तीनों कंट्रीज ले क्लेम करती हैं। अब चाइनीज इस आइलैंड के पास से गुजरते हैं और बहुत बार जापान की वेस्टर्न कोस्ट के पास से भी गुजरते हैं, लेकिन इस बार हद पार कर दी जब ये जापान के कंटिगुअस जोन में घुसा है। नाउ व्हाट आर दी लॉज रिलेटेड टू कंटिगुअस जोन, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपके लॉज हैं अनक्लॉज के हिसाब से। टेरिटोरियल जोन में कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर उस कंट्री का कंप्लीट सॉवरेनिटी होता है। अगर चाइना टेरिटोरियल जोन में घुसना चाहेगा तो चाइना को परमिशन आस्क करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, कि भैया देखो मैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें हर्ट करने का, मैं रिसर्च पर्पज से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ कमर्शियल पर्पज से आया हूँ, तो मुझे जाने दो, मुझे शिप को पास करने दो फ्रॉम हियर, राइट? लेकिन चाइना ने ये ना करते हुए उसके पास का जो जोन है आगे और जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है 24 नॉटिकल माइल्स तक इस कंटिगुअस जोन में घुस गए, क्योंकि ऑफिशियली कंटिगुअस जोन में कंप्लीट सॉवरेनिटी उस कोस्टलाइन वाली कंट्री की नहीं होती। हाँ, कुछ मैटर्स हैं जैसे इमिग्रेशन के मैटर्स, सैनिटेशन के मैटर्स, फिस्कल मैटर्स, कस्टम मैटर्स, कोई क्रिमिनल भाग रहा हो उसको पकड़ना, स्मगलिंग वगैरह को चेक करना, हाइजीन इंश्योर करना, ये सब उस कंट्री का पार्ट होता है जिसका वो कंटिगुअस जोन है। तो आइडियली चाइनीज को पूछना चाहिए था जापान से, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा बिकॉज दे वांटेड टू स्केयर दी जापानीज। दिस इज द ट्रेडिशनल चाइनीज स्ट्रेटेजी। हिस्ट्री अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो, कहो 9-9 के हिसाब से सारे आइलैंड्स हमारे, कहो ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं दीज आर दियाओ आइलैंड्स और ये हमारे हैं, उसके बाद मिलिट्री एंड नेवल पावर को यूज करके सामने वाली कंट्री को इंटिमिडेट करो, और जब ये इंटिमिडेट हो जाएंगे तो आधे क्लेम्स चाइनीज के ऐसे ही पर्पसफुल हो जाएंगे, फिर नेगोशिएशन में चाइनीज का एनीवेज एक अपर हैंड रहेगा और फिर ये जीत जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जापान इज रेडी फॉर सच थिंग्स, क्योंकि आपको पता है जापान ने बहुत टाइम पीरियड तक आफ्टर हिरोशिमा नागासाकी अपनी कोई मिलिट्री प्रिपेयरनेस रखी नहीं और उसके बाद ही आगे डेवलप हो पाए, यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला से अब ये धीरे धीरे बाहर निकल रहे। सो विल सी द जापानीज प्रिपेयरनेस, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग यूपीएससी एंड बीपीएससी की तैयारी। बीपीएससी की तैयारी अभी बहुत बच्चों ने स्टार्ट कर दी होगी, अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हो तो आप पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हो। लाइकवाइज करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की बैच चला करेगी, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैच चला करेगी फाउंडेशन की, एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चला करेगी। अलॉन्ग विद दैट विद इट इस कोर्स दिस कोर्स इज कॉम्प्रिहेंसिव, देयर इज सीसैट एसे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज आल्सो हियर अलॉन्ग विद मेंटरशिप। तो आपको इसके बारे में इंक्वायर करना हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर सकते हो या अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो फॉर अपडेट्स, फॉर फ्री कंटेंट, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और बेस्ट तो ये है कि आप सेंटर भी विजिट कर सकते हो, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, आइदर ऑफ देम, फॉर अ प्रोफेशनल काउंसलिंग, स्टडी प्लान्स बनाने में भी हेल्प मिल जाएगी। तो अब जापान ने क्या किया,
जापान बहुत मुश्किल से यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला डॉक्ट्रिन में चिंक्स को देख पाया कि हाँ यूएस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो जापान ने मिलिट्राइज करना चालू किया। अब इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था ही नहीं, इनके पास चाइनीज और इंडिया जैसी स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं थी, तो इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर कैरियर्स को एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कन्वर्ट किया। मतलब देयर कैपेसिटी इज हाईली इनएडिक्वेट। हालांकि इनको अमेरिकन का फिर भी सपोर्ट मिलता है, तो समहाउ दे आर मैनेजिंग। लेकिन वी नो दैट जैसे ही चाइनीज का फोकस यहाँ ताइवान और जापान से हटेगा तो ये इंडियन ओशन रीजन की तरफ फोकस करेंगे। तो अब सवाल यही है कि अभी इस टाइम पीरियड पर जब चाइनीज के पास ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक तो लियोनिंग है टाइप 001, ये यूक्रेनियन वाला पुराना एयरक्राफ्ट, इसी के बाद इन्होंने शैंडोंग बनाया था टाइप 002 2017 से, फिर फूजियन बनाया, फूजियन इज द मोस्ट एडवांस्ड, राइट। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेपल्ट्स और मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाइनीज आर ऑल्सो थिंकिंग टू मेक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अब ये और एयरक्राफ्ट कैरियर सोच रहे हैं और 2040 तक तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, चौथे का तो प्लान भी कर चुके हैं। अब इंडिया के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो है, विक्रांत है, विक्रमादित्य है, सो वी हैव दीज। लेकिन चाइनीज की स्ट्रेटेजी प्राइमरली यहाँ पर बेस्ड है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हम थोड़ा बहुत इसका जो डिलेमा है इसको पार कर पाएंगे जब इंडियन ओशन रीजन में भी धीरे धीरे हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से तरह किसी भी कंट्री को इंटिमिडेट कर पाएंगे। बिकॉज जब भी आपके एयरक्राफ्ट कैरियर किसी कंट्री के कोस्ट में जाते हैं, उसके पास में आते हैं, सो दैट कंट्री गेट्स इंटिमिडेटेड बिकॉज दीज आर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स हियर टू शो योर नेवल स्ट्रेंथ। अब इस चक्कर में भारत के पास भी कैरियर्स तो हैं, लेकिन भारत सी में अपना डिटरेंस इंश्योर करने के लिए सबमरीन्स पर रिलाय कर रहा है। वी आर बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हियर, जैसे INS अरिहंत, रीसेंट टाइम पीरियड में INS अरिहंत हमारे पास ऑलरेडी थी, अब हमने INS अरिहंत को क्या किया, यहाँ पर कमीशन किया टू फंक्शन सो दैट वी कैन हैव डिटरेंस इंश्योर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द सी। इसी के साथ साथ आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, दिस लिटिल बिट डिटेल्ड अबाउट मी, मेरा ओवरऑल स्कोर 2020 के पेपर में 939 था, सो लिटिल फार फ्रॉम द फाइनल लिस्ट, और ये QR कोड है लेक्चर्स और PPTs के लिए, और जान सकते हो आप। इसी के साथ साथ अब हम और भी ऐसे स्टेप्स कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज भी जैसे J-35 है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, इन्होंने इनको टेस्ट किया फ्रॉम देयर कैरियर्स। तो अब हम समझ गए कि अच्छा हमें भी वी हैव टू स्टे विजिलेंट, एंड दैट्स वाई इंडिया ने भी इंश्योर किया कि अब हमें नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाना चाहिए, सो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। अब यहाँ पर हमारे एक पुराने नेवल चीफ थे जिन्होंने ये बात कही भी थी कि इंडियन नेवी के चीफ थे पुराने, उन्होंने कहा कि इंडिया और फ्रांस को मिलकर नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए विच शुड बी न्यूक्लियर पावर्ड, क्योंकि अगर कोई कैरियर बड़ा सा सी पर फ्लोट कर रहा है, मूव कर रहा है, फाइट करना चाहता है, इफ दैट इज न्यूक्लियर पावर्ड तो उसको फ्यूल ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, दैट इज मोर सर्वाइवेबल इन फ्यूचर। और यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेपल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जो चाइना बिल्ड कर रहा है अपने फ्यूजन में, उसको हम यहाँ पर एंगेज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इस पर फ्रांस ने हामी भी भर दी है टू सम एक्सटेंट। आज ही फ्रांस ने अनाउंसमेंट किया था, कल ही जब क्वाड चली रहा था, कि इंडिया और फ्रांस को साथ में मिलकर अभी और न्यूक्लियर सबमरीन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और इन सब की तरफ काम करना चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी धीरे धीरे ये कंसेंसस आ ही जाएगा। सो जो भी लोग सोचते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, कैरियर से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। देखो अभी भी ये इस टाइप का एक टग ऑफ वॉर चल रहा है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन रीजन में। साथ ही वी हैव ऑल्सो थॉट ऑफ सम प्रोजेक्ट्स हियर रिगार्डिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स। लेकिन बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, इंडिया को और अपनी कैसी प्रिपेयरनेस इंश्योर करनी चाहिए, क्या इंडिया को ऑकस के साथ एंगेज करना चाहिए? बिकॉज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एंड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर द फ्यूचर ऑफ द टाइम पीरियड। लेकिन कैसे इंडिया को इसमें मूव करना चाहिए सो दैट वी बिकम सेल्फ रिलायंट इन दिस, इसमें आप अपने कॉमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट। थैंक यू।